Hey guys, welcome or welcome back to the channel React Action. How are you all? I hope you all are doing great. So in this video, I am going to react to Krishna's new song, Krishna's and Karma's new song, Tony Montana. मैंने ये पहले टोनी कक्कर पढ़ लिया था, but टोनी मोंटाना गाने का नाम है, कलमकार से ये गाना है और कृष्णा और कर्मा का कोलैबोरेशन है. सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स रिएक्ट टू द सॉन्ग. हियर वी गो. कलमकार प्रेजेंट्स कृष्णा. Call me Tony Montana. Karta wahi jo maine thana. Teri baaton mein wazan nahi hai. Meri baatein daage nishana. Call me Tony Montana. Karta wahi jo maine thana. Teri baaton mein wazan nahi hai. Meri baatein daage nishana. I'm at the top of the food chain, clan hard, Wu-Tang, yeah. Ye kutte hard bane gloves mein, songs mein kutte saamne mutte, yeah. Rap ke tutin tha main, king of genre, yeah. Karma mic pe Jordan, Krishna palm in jails mein devil, yeah. Yeah, yeah, this that double can knock out. This is about hip-hop, isko cringe mat banao. Jo pad patti ko hood mat bulao. Desh pe kabza to hood mein, main kyun jaun. Jitna diya tha sab wapas liya, pura hisab kiya sara suit samet. Beef, beef, mange beef, rapper jab mili beef, bhaage room mein ek. Gaye live, rona dona kiya. पिछवाड़े एक दूसरे का चूम रहे थे. लिरिकली मसकली बकचोर, तेरी बैकिंग भी बैकिंग को ढूंढ रही है. ये चारे दुबई में बसना, पर एमिरेट्स में डाउन है. कॉल मी टोनी सोप्रानो या गॉडफादर, ये मेरे प्रोनाउंस हैं. टोनी मोंटाना, करता वही जो मैंने ठाना. तेरी बातों में वजन नहीं है. मेरी बातें दागे निशाना. कॉल मी टोनी मोंटाना. वही जो मैंने ठाना. तेरी बातों में वजन नहीं है. मेरी बातें दागे निशाना. Welcome to the dollar sign show. करे dollar sign flow, फिर yellow mind blown. Grind लगे मेला mind bro, क्योंकि पहले line सोच बोल. When am I broke? You're not a friend of mine bro. तू और मैं ना भाई, तो कभी बन ना पाए दोस्त. मेरा तो ये level high, so तू है mezzanine flow. छोड़ never mind bro. Tony Montana with the blam, I don't do it for the camera, मैं तो करूँ for the culture. इनकी बातों को ना सहना, असली रहना, जो भी कहना है कहने दो, आसपास सारे vulture. Going do 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 with the hammer, जैसे कर्मा का रिसेमर, अब होगी थोड़ी हलचल. All black मैंने पहना ski mask bandana, मैं उठो नहीं, तू तो है ना बड़ी चंचल. Back in the game उठा नैप से, इनको तो ट्रैक पे पढ़ते हैं रैप के. कल के लौंडे उखाड़ा नहीं कुछ, तो ट्यूशन तू ले ले जा रैप का ऐप पे. फ्लो टॉप लगे प्रीमो, हर बीट पे करता है एक्सेल नो चीनो. एक्सेप्ट डिफीट बना लेट द हीट को सिक किस, तो नीच लेस एक्सपेक्ट नो कीमो. टोनी मोंटाना, करता वही जो मैंने ठाना. तेरी बातों में वजन नहीं है. मेरी बातें दागे निशाना. कॉल मी टोनी मोंटाना. करता वही जो मैंने ठाना. तेरी बातों में वजन नहीं है. मेरी बातें दागे निशाना. बंटी वाले जो गाने से इन्होंने कैप्चर करा था एक फोटोग्राफ, और उससे जो शुरू किया इन्होंने, वो मुझे काफी एक फनी एलिमेंट लगा. और एक वो पोकिंग वाला जो डालते हैं ये, कि हर एक गाने में होना ही चाहिए. तो जो है आर्टिस्ट कोलैब करते हैं जब, तो दोनों का फ्लो ऑब्वियसली अलग रहेगा, मतलब तरीका अलग रहता है, और स्पिट करने का अलग रहता है बार्स को. तो उसको कनेक्ट करने के लिए कोरस जो है एडिक्टिव होना चाहिए, और कोरस को ऐसा लगना चाहिए कि कोरस को बार बार हम सुन सकते हैं. तो वैसा इस गाने में था, और कोरस को स्लो रखा इन्होंने, और थोड़ा
रिटेंशन रेट कोरस का ज्यादा है बाकी गाने से. मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि क्यों इस गाने का नाम टोनी मोंटाना है, एंड अभी भी आई एम कंफ्यूज कि क्यों रखा गया होगा. बट टोनी मोंटाना खुद को बोल रहे हैं क्योंकि ये खुद का डोमिनेंस दिखा रहे हैं और खुद को पावरफुल बता रहे हैं, तो इसीलिए आई थिंक ये स्लैंग है अगर मैं गलत नहीं हूं तो. बट अगर कोई और रेफरेंस हो सकता है होगा अगर तो आप कमेंट्स में बता सकते हो. बट जहां तक मुझे लगता है तो ये इस तरीके का है कि कॉल मी टोनी मोंटाना. कर्मा का कोरस ज्यादा अच्छा था और मुझे लगता है कर्मा के जो बार्स फिट करने का तरीका है उसमें ऐसे वाइब भी जो कोरस होते हैं वो ज्यादा सही लगते हैं. और कृष्णा का फ्लो काफी अच्छा था. और बात करें लिरिक्स की तो लिरिक्स भी बहुत लिरिकल जो मुझे लगता है पूरा चेंज किया है वो कृष्णा की वजह से बहुत ज्यादा चेंज हुआ है पूरे हिप हॉप में. लिरिक्स का जो प्रेशर पड़ता है कि लिरिक्स अच्छे होने चाहिए, और ये गाना मुझे लगता है कि जो जिनको बहुत ज्यादा लिरिक्स चाहिए होते हैं बहुत कॉम्प्लेक्स, उनके लिए है और उस टाइप के ऑडियंस के लिए जो कि लिरिक्स को ज्यादा सुनना पसंद करती है कॉम्प्लेक्स बार्स को. डायरेक्शन इसकी काफी ज्यादा अच्छी है और पूरा जो थीम है ओवरऑल वीडियो का जो कॉन्सेप्ट है वो काफी अच्छा लगा मुझे, काफी क्रिएटिव है. डायरेक्शन इसकी मनिल कंडवाल और हर्ष कंडपाल ने की है अगर मैं इनको सही प्रोनाउंस कर रही हूँ तो. लिरिकली बहुत स्ट्रांग है ये गाना बट मुझे कहीं ना कहीं इसका रिटेंशन रेट कम लगा. बट लिरिकली अगर देखा जाए तो काफी अच्छा है. ऑब्वियसली इसमें कृष्णा है तो कृष्णा लिरिक्स तो काफी अच्छे लिखते हैं उनका पता है, बट रिटेंशन रेट इसका कम है. तो ये था मेरा रिएक्शन. आपको कैसा लगा आप कमेंट्स में जरूर बताओ, और नेक्स्ट मैं किस पे रिएक्ट करूँ वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हो. मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी, बाय बाय.